अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर व्हीलर्स, ओनर रिव्यू की एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, अयान शरीफ साहब। अयान शरीफ के पास ये हुंडई टूसॉन है, तो इसका रिव्यू करेंगे। तो अयान शरीफ साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक हूं। तो पहले तो बताइए कौन सा मॉडल है और ये कौन सी गाड़ी है? 2021 मॉडल है और ये टूसॉन टू व्हील ड्राइव फोर व्हील ड्राइव टू व्हील ड्राइव। अच्छा, तो सबसे पहले फ्रंट पे इसको आप एक्सप्लेन करें किस तरह करते हैं कि फ्रंट पे इसके क्या क्या चीज़ें हैं। फ्रंट पे मुझे सबसे पहले से ग्रिल लगती है और लाइट्स को किया से ज़्यादा प्यारी लगती है। इसको किया के साथ कंपेयर करें, किया की ग्रिल इससे छोटी है, ये उससे ज़्यादा बड़ी है, और किया की लाइट इससे ज़्यादा छोटी है और इसकी लाइट ज़्यादा प्यारी है किया से। और लाइट्स में ऑटोमेटिक कॉर्नरिंग का ऑप्शन है। यस, वो जब आप टर्न करते हैं, जब गाड़ी टर्न करती है राइट करे तो राइट ऑन हो जाता है, लेफ्ट करे तो लेफ्ट हो जाता है। अगर हम भूल भी जाए तो खुद ही, हाँ, वो खुद ब खुद ऑन हो जाता है। और रात के वक्त आपको विजिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त मिलती है, ये एक बड़ी प्रैक्टिकल ऑप्शन है। और लाइट्स बहुत अच्छी, हाँ लाइट्स बहुत अच्छी हैं। और इसके अलावा एक चीज़ मिसिंग लग रही है, इसके पार्किंग सेंसर नहीं है। किया स्पोर्टेज में है, किया स्पोर्टेज में सेंसर इसके इसके फ्रंट पर पार्किंग सेंसर नहीं है, और किया स्पोर्टेज के फ्रंट पे साइड पर बैक पे पार्किंग सेंसर। जो इसकी लाइटिंग है वो किया से बड़े हैं और इसके लाइटिंग किया से बहुत ही खूबसूरत है, डिज़ाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। साइड मिरर्स हैं, उनके अंदर ये LEDs का जो डिज़ाइन है बड़ा प्यारा है। थोड़ी सी ना लाइट डाउन है, ये थोड़ी सी अप है। हाँ, ये ऑफ रोडिंग में बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी। तो सबसे पहले जो चीज़ नज़र आती है वो इसकी लाइट है। किया की बैक लाइट इस तरह की नहीं है, जो किया के इंडिकेटर्स दिए गए हैं वो नीचे दिए गए हैं, लेकिन इसके इंडिकेटर्स की लाइट में है। एक चीज़ और है, बम्पर में अगर आपने नोट की हो तो जो टूसॉन है इसका डिफ्यूज़र बम्पर नहीं है, स्पोर्टेज में डिफ्यूज़र बम्पर है जो कि ज़रा स्पोर्टी लुक देता है। इसका बम्पर सिंपल है नीचे। अच्छा अयान साहब, इसमें जो है वो ऑटो बूट नहीं है, ये टू व्हील ड्राइव में, ये एक डिफरेंस है। अगर फोर व्हील ड्राइव में, किया में भी टू व्हील ड्राइव में नहीं और फोर व्हील ड्राइव में है। और इसकी बूट स्पेस मेरा ख्याल है एम्पल है, इनफ है। और अगर हम बूट सेपरेटर को करें और ये एक जबरदस्त स्पेस बन जाती है, लेकिन इसकी स्पेस किया से थोड़ी है। लेकिन सीट से इसकी हो जाती है स्टेबिलिटी 60-40 के हिसाब से, तो फिर वो जगह बन जाती है। किया अगर टू व्हील के किया की बात करें, उसमें जो स्पेयर व्हील होते हैं उसमें अलॉय रिम नहीं दिया जाता, लेकिन इसमें अलॉय रिम भी दिया गया है जिस तरह की आप देख सकते हैं। हाँ ठीक है। और पंक्चर किट भी है इसके अंदर, पंक्चर किट भी है, लाइक दिस, या ये भी जैक है, जैक और इसके अंदर लाइट्स, ये एक चार्जिंग सॉकेट भी है, चार्जिंग सॉकेट डिगी के अंदर, यहाँ पे भी है और लाइट भी है डिगी के अंदर, लाइट के अंदर, और यहाँ पे स्पेस भी है लाइक दिस, हम कुछ रख सकते हैं। इस वक्त व्यूअर्स गाड़ी के इंटीरियर में आ चुके हैं और अब गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। और एक पुश स्टार्ट बटन से स्टार्ट हो जाती है गाड़ी। इंटीरियर में और कौन कौन सी, पहले से तो स्पीडोमीटर की तरफ चलते हैं, इसमें क्या क्या ऑप्शन है? जब हम अपना डोर खोलते हैं तो इसमें वो किया वाला फीचर है, वो आ जाता है आपका कौन सा डोर खुला है। लेकिन जो इसका मीटर है वो किया से थोड़ा सा डिफरेंट है। और इसका टीवी किया से बहुत बड़ा है। अच्छा, ये जो डिस्प्ले ये 10 इंच का है, 10 इंच का है, लेकिन मेरे ख्याल से ये ज्यादा डेंजरस है ड्यूरिंग ड्राइविंग, क्योंकि एक तो इसमें जो फीचर है ना, जो मुझे पता है कि ड्यूरिंग ड्राइविंग आप वीडियोस प्ले कर सकते हैं इस गाड़ी में, क्योंकि वो बंदे को डिस्ट्रैक्ट करती है। और अगर तो वो ना थोड़ा छोटा साइज जैसा किया में है तो फिर वो ड्राइवर ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता। ये एक बड़ा साइज़ है और ड्राइवर को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली चीज़ है, एक नेगेटिव चीज़ है। और बाकी इसमें ऑप्शन सारे एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड कार प्ले अवेलेबल। लेकिन जो किया का ये फ्रंट इंटीरियर है वो लाइक ओल्ड ट्रक की तरह है, जिसमें ओल्ड ट्रक है, लेकिन जो इसका बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। किया के अंदर इस तरह का नहीं दिया हुआ। और ये क्लाइमेट कंट्रोल डुअल जोन है, मैं अपनी मर्जी से सेट कर सकता हूँ, आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। मैंने किया का रिव्यू किया था, उसमें मेरी वीडियो है, लेकिन किया का बिल्कुल ही इससे अलग है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल किया से इसका फ्रंट रो बिल्कुल नहीं कंपेयर किया जा सकता, क्योंकि किया की LED भी बहुत छोटी है, LED लेकिन उन्होंने अंदर दी हुई है, उसके ऊपर AC है, ठीक है, और किया के AC इतने बड़े नहीं है। किया का ये सारा कंट्रोल चेंज है। और अब किया का अगर ये देखें तो ये डैशबोर्ड भी इसका थोड़ा सा, अच्छा डैशबोर्ड का मैं आपको बताऊँ ना, तो मुझे ये ना मॉडर्न लगता है, वो एक पुराना सा डैशबोर्ड फील उस तरह, वो लाइक जिस तरह 2000 मॉडल है, लेकिन इसका थोड़ा सा 2021 के मॉडल के हिसाब से बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कंपैटिबल है। और इसके अलावा ये एक सॉफ्ट टच जो दिया गया ना इसका, ये फाइबर का
लेदर का, ये एक बड़ा जबरदस्त लुक आती है। और ये जो कलर कॉम्बिनेशन, इसका मिरर है, ये भी ऑटोमेटिक है जो किया में नहीं है, और किया में ऑटोमेटिक नहीं है, फॉर्च्यूनर में भी ऑटोमेटिक नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें ये नेविगेशन आ रही है कि नेविगेशन आ रही है। और ये जो मिरर है, आपको बताता चलूं कि ऑटो डिमिंग मिरर है, इसको आप यहां से ऑन कर दे तो ये मुझे पता है, मैंने, मेरे को गाड़ी थी, मैंने देखी हुई है, मैं मूव में भी देखा हुआ है, मैंने और भी गाड़ियों में देखा हुआ, उसमें आता है, लेकिन उसमें आता है, उसमें सिर्फ वो बैक शो सेंसर दिखाते हैं, इसमें ये थोड़ा सा उससे ज्यादा हैवी है और और इसके अलावा एक और चीज व्यूअर्स आपको बताते चले, इसमें वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है, लेकिन स्टीयरिंग कंट्रोल्स आपको इसके बताएं कौन कौन से, क्रूज कंट्रोल, और यहाँ पे आ गया ये टीवी कंट्रोल आ गया, टीवी के सारे कंट्रोल, वॉल्यूम और फोन का, और यहाँ से आ जाता है क्रूज कंट्रोल आ जाता है, और मीटर के सारे कंट्रोल आ जाते हैं। और मीटर्स में कौन कौन से फंक्शन है, मीटर में इको इको फंक्शन, और इसमें ये भी बता सकती है कि अभी इसमें कितनी एवरेज पड़ी है चलने की, अभी ये बता रही है कि 62 किलोमीटर और चल सकती है, अभी इसमें इतना पेट्रोल है, और अभी ये सिर्फ 578 किलोमीटर चली हुई है, और बाहर का ये टेम्परेचर भी बता रही है, यहाँ पे डिजिटल है और यहाँ पे दूसरा आते हैं, तो ये 6 स्पीड मिशन के साथ आता है जिसको ऑटोमेटिक, लेकिन जो मैम किया की अगर बात करें, उसकी बिल्कुल साइड साइड चेंज है, उसका गियर भी और लेकिन ये फीचर सेम है, ये हैंड ब्रेक का भी सेम है और ऑटो होल्ड भी, लेकिन किया में ना डिजाइनिंग चेंज है यहाँ से। नहीं, एक और चीज का डिफरेंस है, किया में ये डाउन हिल असिस्ट नहीं है, डाउन हिल असिस्ट नहीं है, ये फोर्ड में भी आता है, लाइट साफ ट्रक में, सिर्फ किया में नहीं, ऑफ रोडिंग में आते हैं, इसका सारा साइड चेंज है। और अगर हम डैशबोर्ड की बात करते हैं तो वो तो किया से बिल्कुल मुख्य है, स्टोरेज स्पेस, और इसकी स्टोरेज स्पेस थोड़ी सी किया से ज्यादा है, किया किसी कम है, लाइटेज इसके ऊपर भी बॉक्स दिया गया और नीचे भी स्पेस है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज है, ऑटोमेटिक हैंड ब्रेक है, ऑटोमेटिक हैंड ब्रेक वो आजकल ऑटोमेटिक गाड़ियों में आ रही है, विजन में भी आई है और किया स्पोर्टिव में भी आई है, अगर हम इसका विजन से कंपेयर करें तो विजन में भी ये सेम ब्रेक आई है। अच्छा, इसके अलावा इस गाड़ी में दो एयर बैग्स आती हैं, एक ये स्टीयरिंग पे है और एक डैशबोर्ड पे है, क्योंकि अगर ये है टू व्हील ड्राइव, अगर हम फोर व्हील ड्राइव की बात करें तो उसमें ये कर्टन एयर बैग भी आते हैं, और अगर हम इसकी लाइट की बात करें तो लाइट, ये रीडिंग लाइट्स हैं इसके अंदर, लेकिन किया किसी थोड़ी सी बड़ी है। अच्छा, तो इसके बाद इसकी सनरूफ जरा दिखाएं, सनरूफ की बात करते हैं, इसका भी सेम पैनोरामिक किया की तरह है, अब हम इसको देखते हैं, पैनोरामिक किया की तरह सेम खुलता है और साइज भी उतना है, और अब पहले पैनोरामिक खुल जाता है, उसके बाद हम दोबारा टच करें तो सनरूफ भी खुल जाएगा, लाइट अब इसके ऊपर एक ये प्रोटेक्शन दी गई है, ये बिल्कुल सेम किया में भी है, और मैंने नोटिस किया है, लेकिन ये किया सेम बिल्कुल जितना किया के सनरूफ खुलता है उतना, मेरे ख्याल से स्पोर्टिव से थोड़ी सी बेहतर है, इम्प्रूव है, स्पोर्टिव से थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा, लेकिन मुझे बस इसकी टीवी वाली बात नहीं अच्छी लगी, बाकी गाड़ी बहुत अच्छी है, लाइक ऑफ रोडिंग में हम ले जाते हैं, लाइक हम ले जाते हैं कोई आउट ऑफ सिटी जहाँ पे बहुत ही डस्ट हो, और हम लेकिन जो किया है वो इतनी ऑफ रोड नहीं कर सकती। अच्छा, इसमें एप्पल कारप्ले नहीं है, एंड्रॉइड कारप्ले है, इसमें एप्पल कारप्ले नहीं है, एप्पल नहीं है, और किया में दोनों है, किया में दोनों है, इसमें सिर्फ एप्पल है। तो थैंक यू सो मच अयान, आपने टाइम दिया और बड़ा ही एक जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा आपके साथ, और हमारे व्यूअर्स भी आपको लाइक करेंगे, तो आपके पैशन को अप्रिशिएट करेंगे, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम, अल्लाह हाफिज़।